एक्स अभी तक हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया बेसिकली फिप प्लेयर ऐड करने का बट मोस्ट प्रोबेबली हम लोग बीजेएस के बाद एक फिप प्लेयर ऐड करेंगे आ, मैं अभी देख रहा हूँ वो फिप प्लेयर मतलब बहुत टाइम से ढूंढ रहा हूँ वो मैच एक प्रॉपर की क्या होता है ना इतना इजी नहीं है फिप प्लेयर ऐड करना वेल पर्सनली आई अ क्वेश्चन ये चार प्लेयर्स यार पूरी लॉबी खाली कर देते हैं लेकिन जब गॉड लाइक फाइव प्लेयर्स की लाइनअप होगी जहाँ पर वो ये बताते हैं कि सेनोप मैप की स्ट्रेटेजी डिपेंड करती है बाकी के मैचेस पर एंड टॉकिंग फर्दर अबाउट लाइक स्काउट यहाँ पर उन ट्रॉलिंग कमेंट्स पर बात करते हैं जो गॉड लाइक हंड्रेड पॉइंट स्पैम कर रहे हैं एंड आप देख सकते हो स्काउट ने मेच्योरली यहाँ पे क्या रिप्लाई किया मिल गया, गया गिल गिल सॉपेंट अरे यार ट्रोल क्या बंदे भाई यार कैसे बंदे भाई अभी भी तुम ट्रोल कर हद है क्या मतलब भाई बोल दिया तो बोल दिया भाई तो क्या हुआ टारगेट है हर बंदा टारगेट सेट करता है यार क्यों कर रहे सवाल वाल उसने घातक बोल दिया शॉपेंट तो भाई शॉपेंट उनका टारगेट था नहीं हुआ तो नहीं हुआ क्या दिक्कत हो गया थोड़ी मेहनत दुनिया टूट गई भाई जो टीम गई नहीं खेल रहे, खेल रहे रहे ना अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं किकी ओपी के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि ने लाइव बात करी इसके बारे में एंड एग्जैक्टली उन्होंने क्या कुछ ओपिनियन दिया वो ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो बेटा वाह बेटा मौज कर दी अभी मैं समझ गया अभी मैं समझ गया गाइस ऐसा होता है क्या ओ हो हो आईफोन में हैक वेरी प्रो वेरी प्रो आईएसपी जोन हैक्स हम्म अभी समझा मैं ये देख आईफोन में हैक जीरो हैं

एंड अभी हमने कुछ देर पहले ड्रॉप क्लैश की बात करी थी तो ड्रॉप क्लैश के रिगार्डिंग अमन भी कुछ लॉजिकल पॉइंट्स कहते हैं कि ड्रॉप क्लैश शायद ही होगा क्योंकि 16 टीम्स हैं एक ग्रुप में में एंड मे बी फर्स्ट मैच क्लैश हो हो बट उसके बाद सेटलमेंट जाएगा अब बात बीजेएस की हो रही है सो अनफॉर्चुनेटली एंड आर वेरी डिसार्टनिंग मोमेंट फॉर टीम फॉर एवर एंड ग्लोबल स्पोर्ट्स एंड देयर फैंस जो मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट पर भी बताया था टीम फॉर एवर एंड ग्लोबल स्पोर्ट्स बीजेएस से एलिमिनेट हो चुकी है एंड क्वालिफाइड टीम्स फ्रॉम दिस ग्रुप आर हैदराबाद हाइड्रास सेवन सीज ओल्ड ओडी स्पोर्ट्स ओनली क्लच रेवन

ओम सिंह मैंने सारे मैचेस नहीं देखे मैंने पहले तीन मैचेस देखे थे ब्रो आई वाज प्रोटी कॉन्फिडेंट अबाउट टीएफ ब्रो टीएफ हम लोग को लगा था कि टीएफ हम लोग को लगा कि टीएफ वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर्स फॉर बीजेएस भाई बीजेएस के लिए वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर्स थे उन लोग यार बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी उनकी तो भाई तो गलत सी हो गया एच डोमिनेट किया ब्रो मैंटी आग मैंटी आग भाई गान फॉर देंटी ने बाई है मैंटी मैंटी को तो मैं बहुत पहले से जानता था दो पिछले पिंडोलियल के टाइम से जानता हूँ मैं

पास धीरे धीरे आगे जा रहे है, इनकी वेस्ट आधी डैमेज है से फाइट ले रहे है, रहे हैं। हैं ये दहाड़ यहां पर पर क्या इनकी दहाड़ रेव oh. टेक डाउन स्पॉट कर no, करके डाउन किया है एक बार फिर से ग्लोबल स्पॉर्ट थोड़ा बैकफुट पे जाएगी क्या यहां पर नियो एक क्लच करने के लिए जा रहे हैं? बिकॉज डार्क कलर स्पॉट के डाउन oh. किया नियो इज ऑन अट वीरू ने क्या डाला हैकिंग इन ब्रिजेस अच्छे तो तरीके से एंड को बाहर रास्ता दिखाते हुए इकतालीस लोग जीवित एंड दिस इज़ द मैन ऑफ द द द मैन ऑफ़ मैच राइट नाउ नियो तीन इनके पास फिनिशेस है धीरे धीरे आगे इनकी वेस्ट आधी डैमेज है रेवेनेंट से फाइट ले रहे हैं ये दहाड़ रहे हैं यहाँ पर क्या इनकी दहाड़ रेवेन्यू प्लेयर टेक डाउन कर पाएंगे नो no कमेंट्स no comments, no comments, no comments. कल को बंदा हैक करने निकला तो मेरे गान में घुस जाओगे आप लोग बोलोगे स्काउट ने बोला था स्काउट छूती तेरे को ज, जलन होती है अंडरडॉग डॉग से इसीलिए तो नो कमेंट्स जब आईडी बैन होगा तब बात करेंगे जिसका भी होगा कभी जाके इन फ्यूचर थैंक्स कॉम्रेड थैंक् स्काउट में प्लीज एक बार खेलना है आपके साथ पक्का खेलेंगे ना मेरे भाई पक्का खेलेंगे हमको कुछ नहीं बोलना भैया हैकिंग वैकिंग कर रहे हम हम कौन है हम एक प्लेयर है मैं कुछ नहीं बोल रहा ऑफिशियल्स क्यों है इज इट फिशिंग इज इट नॉट दैट्स नॉट माय जॉब हमें खेलना है बस हम खेल रहे हैं कल को मेरे को भी कोई मार सकता है ऐसा मुझे क्या पता जब तक पीओवी नहीं है नो कमेंट्स पीओवी के बिना आप कमेंट नहीं कर सकते ये एक साइड आपने देख लिया ऑन ए सीरियस नोट जोक अबाउट में बस मजाक कर रहा था तो आपने अपने एंड से पी देख लिया कि ये मतलब जो स्पेक्टेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पी था क्या बताया मतलब उस प्लेयर का पी कुछ और हो नोस अच्छा भी हो सकता है ख़राब भी हो सकता है अब बात कर लेते हैं हम टीम सोल के बारे में तो टीम सोल की अगर बात करें तो फर्स्टली टॉस ने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया है एंड ये का है कि अपनी के लिए। पर पर अमन के के यहाँ पर गाइड कर रहे हैं एंड यूआर को अमन ने काफी हेल्प करी गेम की स्ट्रेटेजी को समझने में अब बात कर लेते हैं हम हस्तर के बारे में तो रिसेंटली हस्तर जब लाइव थे तो उन्होंने यहाँ पर बात करी स्नैक्स और जीगॉट के बारे में आखिर जीगॉट कैसे एंटिटी ज्वाइन करे एंड कैसे स्नैक्स के साथ एक फनी स्कैम हो गया सुनो जी, जी गॉड आ रहा था गॉडल में नहीं आया ओके <laughs> okay, उस टाइम पे ऐसा तो था उस टाइम पे मैं बताता हूं उस टाइम पे ऐसा सीन था कि मैं गिल और एग्जी हम तीनों फाइनल हो चुके थे अब हम ढूंढ रहे थे चौथा बंदा उसमें आईजीएल मैं करने वाला था और चौथा हम लोग ढूंढ रहे थे कोई असॉल्टर तो जीगॉड सबसे पहला दिमाग में ऑप्शन था पर अरे यार को पर हमें पता चला मार्केट में जी की डिमांड बहुत है और सब उसके पीछे पड़े पर वो एम जी जेड नहीं छोड़ना चाहता जी तुम्हारे साथ भी है सूर्या तो को, को, को नहीं छोड़ रहा है तो चलो एक बार बात ही कर लेते क्या मालूम बोला आई एम इन मैंने बोला ठीक है भाई अगले दिन भाई खेलने आए सुबह को खेलते हैं रात को मैसेज आता है सॉरी आई कांट लीव सूर्या बाय मैंने बोला ठीक है भाई फिर हमने ट्राई किया स्नैक्स को तो स्नैक्स के साथ ग्रुप बना दिया अब स्नैक्स भाई दो दिन खेलने आए हमारे साथ फिर स्नैक्स भाई के थोड़े चोचले आ गए बीच में मेरा मेरे ये प्रो ये काम है इधर मेरे को मेरा शेड्यूल रहता है मैं बुट कैम नहीं आ सकता हूँ मैंने बोला ठीक है गेम तो खेलते हैं साथ में चलो देख लेते क्या होता है ये सब वो सब दो दिन के लिए तीसरे दिन स्नैक्स भाई का मैसेज बात चल रही थी किसी और कंफर्मेशन तो मैं जा रहा हूँ और ग्रुप लीव कर दिया और मैं तो गलत क्या हुआ है अरे ना स्नैक्स के साथ एक और स्कैम होगा फिर पता है मेरे को क्या हुआ, तो है? हुआ� वेर को नहीं नहीं वो पॉलिटिक्स नहीं था वो एक्चुअली जाने अनजाने में, में मेरी वजह से ही हुआ जो वो स्टोरी आई थी ना स्नैक्स की वो जाने हाँ। अनजाने में, में मेरी वजह से ही आई कैसे आई वो बताता हूँ तो स्नैक्स भाई ग्रुप छोड़ के चले गए और मैं बहन जो सो रहा था उस वक्त सुबह के दस ग्यारह बजे थे मां की चूत मेरे तो दिमाग में था उठ के मां की चूत गेम खेलना है स्नैक्स मैंने खेलने और एग्जिन हाँ। तो वो बोला भैन चूद उठा मैंने देखा स्नैक्स ने ग्रुप लीव कर दिया मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं मैंने बस स्नैक्स को डीएम में बोला कि ब्रो अगर आपका ऐसा ही प्लान था तो आप बता के तो रखो ना आप ऐसे मतलब तो दो दिन अच्छे गए हैं, उसके बाद आप ऐसे छोड़ दो अब मुझे प्लेयर फिट ढूंढना पड़ेगा फिर जीगौड़ का मैसेज आया सूर्या के साथ मेरा नहीं जम रहा है आई वॉन्ट कंटिन्यू विथ यू गै मैंने बोला आ जा फिर जीगौड़ आता है फिर से खेला फिर वहन अगले दिन आता है मैसेज सॉरी आई वॉन्ट टू कंटिन्यू विथ सूर्या तो

बड़ा ही की जो स्वीट सा और भोले से आया आया खेला और अच्छी अच्छा खासा फिल्टर कर रहा था मेरे को मैंने बोला स्मोकी तेरे को फाइनल कर देते हैं फिर जी गॉड क्या पता है स्मोकी को मैंने फाइनल किया और जी गॉड का मैसेज आता है सूर्या को मैं छोड़ चुका हूँ आई एम कमिंग विज नाउ मैंने बोला ओ दादा रुक हमने इधर से स्मोकी को फाइनल कर दिया है ठीक है तो जी बोलता है तू बोल तो वो जाके बात करने लगा मैंने बोला आएगा स्मोकी फाइनल है, जी से जी बात करता है। और जी गॉड पूरा इन बोला लौड़ा गॉड लाइक में ही खेलूंगा सूर्या को तो कंप्लीटली छोड़ दिया हूं मैं फिर जी गौट का कॉल आता है मेरे को बोला देख सूर्या को छोड़ के आ चुका हूँ अगर अब तुम लोग मेरे को ना बोलोगे ना मैं कहीं का नहीं रहूंगा मैंने बोला रुक तेरी मैं कहीं सेटिंग करवाता हूँ तेरा करियर तो नहीं खराब होने दूंगा मैंने <laughs> मैंने स्मोकी को इन करवाया गॉड लाइक -like फॉर्म हो गई और मैंने घातक को कॉल लगाया आ, तुम लोग एक प्लेयर ढूंढ रहे थे ना घातक एंटिटी के लिए मेरे पास एक प्लेयर है बोला कौन है मैंने बोला जी गॉड बोला फ्री है अभी तो मैंने बोला और घातक बोलता है मैं मैसेज करता हूँ उसको उसने मैसेज किया जी गॉड एंटिटी में गया और स्नैक्स स्टोरी, <laughs> स्टोरी आती है स्नैक्स की इंस्टा पे स्टोरी आती है ओके एंटिटी गेमिंग <laughs> आ भाई ये थी वो स्टोरी <laughs> और सुन और मजे की बात मेरे को जब तक स्नैक्स की स्टोरी नहीं आई थी ना तब तक मुझे पता ही नहीं था स्नैक्स एंटिटी में जा रहा है

थोड़ा सिनर्जी वगैरह बिल्ड होने टाइम लगता है एक्सपीरियंस मिलने में टाइम मिलता लगता है मतलब ऑलरेडी एक्सपीरियंस प्लेयर्स है उसमें बट बाकी के जो प्लेयर्स आडा हुए उनके साथ प्रॉपर समझ लो हंड्रेड परसेंट देने में थोड़ा टाइम तो लगेगा यार वो तो वो लोग भी जानते हैं कि भाई नई टीम है फर्स्ट टूर्नामेंट ऑफकोर्स वो लोग अपना बेस्ट देंगे बट आई आई बिलीव कि नेक्स्ट टूर्नामेंट से उनना फाड़ देने वाले इसके लिए अभी सोल का नाम नहीं लिया हमें अभी तो बोले तो नई टीम है जी कैसा रहता तो है बोले तो नई टीम या तो भाड़ में मतलब फाड़ में जाए जनता सीधा घुस घुस के मारके जीत जाती या तो फिर सीखते हुए आगे बढ़ती समझ रहे कोई भी नई लाइनअप बनती तो ऐसा होता स्टार्टिंग के एक दो टूर्नामेंट फुल फाड़ देते बाद में थोड़ा डाउनफॉल होता फिर वापस उसको जैसा टीएसएम ले लो टीएसएम की जब लाइनअप बनी थी बैन के बाद फाड़ रहे थे एकदम सारे हैकर हैकर बोल रहे थे फिर बीच में एक डाउनफॉल डाउनफॉल आया उनका भी फिर वो उससे उस सीख के अभी कैसा मचा रहे वैसा तो ऐसा हर एक टीम का फेज रहता हो सबसे टफेस्ट ग्रुप मेरे को ग्रुप वन और ग्रुप फोर दिख रहा है कि नहीं ग्रुप वन में इनवाइटेड टीम्स में से एक्सपार्क है स्काईलाइट है टी है ओ आर है ओ जी है राइवलरी है बहुत सारी इनवाइटेड टीम्स है और फिर ग्रुप फोर में सोल गॉड लाइक एनिग्मा इंसेन खतरनाक ग्रुप है फिर ये टीम मायावी भी, भी बवाल गिल रही जबरदस्त अंगार है ग्रुप वन ग्रुप फोर अंगार होने वाला है ग्रुप्स की बात करें तो मेजी ने भी लाइव रिस्पॉन्ड किया नहीं बनाया गया है लाइक like, पहले ग्रुप में इतनी सारी अच्छी अच्छी टीमें भरी हुई हैं सेकंड ग्रुप में बढ़िया टीमें भरी हुई है थर्ड ग्रुप में बढ़िया टीमें मतलब कैसे कैसे ये ग्रुप्स बने जैसे भी हैं बट मजेदार ग्रुप्स बने सही बता रहा हूं तो बस आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ इतना ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना बाकी अभी मैं भी चलता हूं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में साइनिंग ऑफ